एक भ्रम सरगुन एक्टर जैन इमाम को डेंगू की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अब एक्टर ने खुद खुलासा किया अपनी बीमारी का। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि एक भ्रम सरगुन संपन्न के आखिरी दिन के शूट पर जैन इमाम को डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। अब एक्टर ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा, मुझे सीरियल की शूटिंग के आखिरी दिन मच्छर ने काट लिया। इसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और उसी रात मुझे तेज बुखार आया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। फिलहाल डॉक्टर्स ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, क्योंकि मेरी बॉडी पहले से काफ़ी वीक हो गई है। डॉक्टर्स ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, क्योंकि मेरी बॉडी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गई है। बता दें कि जैन इमाम छुट्टी लेकर अपने घर दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि फैमिली मेम्बर मेरे पास मुंबई आ गए। मॉडलिंग से एक्टिंग में कदम रखने वाले जैन इमाम टेलीविजन के सबसे हैंडसम एक्टर में से एक है। हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि जैन इमाम जल्दी से ठीक हो जाए और वो फिर से काम पर लौट आए। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।